समाजवादी पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट कैराना से हसन परिवार की इकरा हसन को अपना उम्मीदवार घोषित कर पश्चिम में एक बड़ा दाव खेला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी और समाजवादी पार्टी से ही कैराना विधायक नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा हसन पिछले 9 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। इकरा की माँ तबस्सुम हसन भी कैराना से सांसद रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा कैराना लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशित घोषित की गई इकरा हसन के लिए राजनीति कोई नई चीज़ नहीं है। इकरा हसन इससे पहले जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। यही नहीं, इकरा हसन करीब 9 साल से पॉलिटिक्स में लगातार एक्टिव हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बड़े भाई चौधरी नाई हसन जिस वक्त जेल में थे तो इकरा हसन ही उनकी जीत की सूत्रधार बनी थी। 2022 विधानसभा चुनाव में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इकरा हसन की मेहनत के कारण ही नाहिद हसन जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे थे। लंदन से कानून की पढ़ाई करने वाली इकरा हसन की युवा महिला और बुजुर्गों में तगड़ी फैन फॉलोइंग बताई जाती है। लंदन से पढ़ाई करने के बावजूद इकरा हसन की सादगी ही उनकी खासियत मानी जाती है और वह लगातार राजनीति में सक्रिय भी हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के इंडिया गठबंधन में टूट की एक वजह इकरा हसन की कैराना लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी को भी माना जाता रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का आरोप था कि अखिलेश यादव कैराना लोकसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी के सिंबल पर अपनी पार्टी की इकरा हसन को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर मतभेद होने के चलते अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती टूट गई थी। कैराना लोकसभा सीट की यदि बात की जाए तो यहाँ 18 लाख के करीब मतदाता हैं, जिनमें करीब 5.5 लाख मतदाता मुस्लिम है, वहीं बाकी अन्य हिंदू मतदाता हैं। इकरा को टिकट मिलने के बाद कैराना लोकसभा क्षेत्र पर नए समीकरण बन गए हैं। फिलहाल भाजपा, सपा और बसपा के बीच इस सीट पर अभी मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस ने सीट पर कभी दावेदारी नहीं की, लेकिन सूत्र यह भी बताते हैं कि यदि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन में कोई दरार आती है और कैराना से कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार उतार देती है तो इस सीट पर चौतरफा मुकाबला हो सकता है, जिसका सीधा फायदा आरएलडी से गठबंधन होने के बाद भाजपा को मिलने की पूरी उम्मीद है। कैराना लोकसभा से अभी तक सपा ने ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बात करें यदि भाजपा की तो भाजपा से मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी, एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान और पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। बसपा से अभी तक किसी भी दावेदार का नाम सामने नहीं आया है। टीवी9 यूपी के लिए कैराना से विकास कपिल।